हेलो एवरीवन क्या आप जानते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में वर्ल्ड पॉलिटिक्स से इंट्रोडक्शन होता है और दुनिया के अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में जाना जाता है ग्लोबल पॉवर्टी क्लाइमेट चेंज ग्लोबल एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स जैसे इंटरनेशनल ईश्यूज़ भी इसी में शामिल होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को इंटरनेशनल स्टडीज़ ग्लोबल स्टडीज़ इंटरनेशनल अफेयर्स और ग्लोबल अफेयर्स भी कहा जाता है तो ऐसे में अगर आपके पास पॉलिटिक्स की अच्छी नॉलेज है और आप साथ ही ग्लोबल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचते हैं तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन में भी जरूर इंटरेस्ट का होगा और साथ ही अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपका यह जानना जरूरी है कि यह इंटरनेशनल अफेयर्स तीन सेक्टर्स में काम करते हैं पब्लिक प्राइवेट और नॉन प्रॉफिटेबल या एनजीओ में और इस फील्ड में गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनीज डेवलपमेंट कंसल्टिंग फर्म्स एन और थिंक टास्क एम्प्लॉयर्स होते हैं साथ ही इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आना जरूरी है इसके लिए आपको शुरू से ही बहुत अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत होती है आपकी वो तैयारी क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में करियर बना के आपके लिए पांच इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या होंगे इसके लिए सबसे पहले आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कीजिए क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में इतना ब्रॉड और वाइड फील्ड है कि इसके लिए आपके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ही आपके करियर ग्रोथ के लिए अच्छा होगा तो अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन में बैचलर डिग्री की हुई है तो आप साथ ही इसमें मास्टर डिग्री भी कम्प्लीट ज़रूर कर लें इसी के साथ आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो इंडिया में भी किए जा सकते हैं और इंडिया के बाहर किए जा सकते हैं ऐसे ही कुछ इस तरह के कोर्स की इंफॉर्मेशन भी हम आपको बताने जा रहे हैं जो है बी ए इंटरनेशनल रिलेशनस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको ट्वेल्थ क्लास किसी रिकग्नाइज बोर्ड से पास करना होगा और इस कोर्स में एडमिशन मेरिट बेस पर मिल जाती है लेकिन कुछ रेप्यूटेड कॉलेजेस इंट्रांस टेस्ट के ज़रिए ही अपने कोर्स में एडमिशन देते हैं इसके बाद सेकेंड कोर्स आता है एम ए इंटरनेशनल रिलेशन्स की जिसके लिए आपका बैचलर डिग्री कम्प्लीट करना ज़रूरी है और इससे दो साल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन मेरिट बेस्ड पर और इंट्रांस एग्ज़ाम के बेस्ड पर मिलता है मास्टर डिग्री के लिए आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप मास्टर डिग्री किसी अच्छे कॉलेज से ही कम्प्लीट करें ताकि आपको इंटरनेशनल रिलेशन में अच्छी नॉलेज मिल सके फिर इंटरनेशनल रिलेशन कोर्सेज को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत से शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ मिलते हैं जिनके सर्टिफिकेट्स के साथ आप अपने सीवी को इम्प्रूव कर सकते हैं इसके लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग यूके के शॉर्ट कोर्सेज जैसे डिबेटिंग इंटरनेशनल रिलेशनस कोर्स कर सकते हैं इसकी ड्यूरेशन वन मंथ की होती है और इसमें एडमिशन के लिए आपका आयल स्कोर सिक्स होना ज़रूरी है इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड और भी कॉमन कोर्सेज के नाम भी आपको जानने चाहिए जो है एम ए इन इकोनॉमिक्स एंड स्पेशलाइजेशन इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी मास्टर्स ऑफ आर्ट्स डिप्लोमेसी लॉ एंड बिजनेस इंटीग्रेटेड बी ए प्लस एम ए इंटरनेशनल रिलेशन पी जी डिप्लोमा इन रिजोल्यूशन एंड पीस स्टडीज पी जी डिप्लोमा इन इंटरनेशनल स्टडीज ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी एजुकेशन एम फिल इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस पी एच डी इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और अब आपको इंडिया के ऐसे बेस्ट कॉलेज के बारे में भी बताते हैं जहाँ से आप इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री ले सकते हैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ओ पी जाधवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता जे एन यू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू डेली जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी पांडीचेरी महाराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ माइसो मैसोर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची, पी पी सावनी यूनिवर्सिटी सूरत इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस करियर रिसर्च करना भी ज़रूरी है इंटरनेशनल रिलेशन कोर्स में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं इसलिए आपको अपने लिए कोर्स चूज़ करने से पहले करियर रिसर्च करना चाहिए और जो कोर्स आपके करियर प्लान्स में आपकी मदद करे वही कोर्स आपको करना चाहिए इसी रिसर्च में आपको तीनों ही प्राइवेट पब्लिक और नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर में करियर सर्च करने होंगे इसी के साथ आप अपने सैलरी पैकेज को भी ध्यान में रखते हुए अपने लिए करियर ऑप्शन फाइनलाइज करिए अब स्टेप नंबर थ्री की बात करें तो आप खुद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स को डेवलप करें इंटरनेशनल रिलेशंस में करियर बनाने के लिए आपको डिग्री के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होल्डर होना भी ज़रूरी है एक्स्ट्रा स्किल्स जैसे कि ब्रॉड माइंडेड इंडिपेंडेंट थिंकिंग अप टू डेट नॉलेज विद डिप्लोमैटिक माइंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स पब्लिक स्पीकिंग पेशेंट एंड हार्ड वर्किंग नेचर प्लानिंग स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप इंटर्नशिप जरूर करें जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे जिससे आपके पास नॉलेज तो होगी और साथ ही स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगी लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत भी होगी जिसके लिए आप इंटर्नशिप करें अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए इसके लिए आप रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में वॉल्टियर वर्क भी कर सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डेवलप कर पाएंगे जो आपकी जॉब में आपकी बहुत हेल्प करेगा फिफ्थ पॉइंट है आप कोई सूटेबल फॉरेन लैंग्वेज सीखिए क्योंकि जॉब इंटरव्यू के दौरान आपकी लैंग्वेज स्किल्स आपके कल्चरल अवेयरनेस और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा और ऐसे में अगर आप कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है वरना आप एक फॉरेन लैंग्वेज में फ्लुएंट तो बन ही सकते हैं तो आप अपने करियर प्लान के अकॉर्डिंग टू सूटेबल फॉरेन लैंग्वेज ज़रूर सीख लीजिए तो इन पांच इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस डिग्री के नाम भी बता देते हैं जो है डिप्लोमेसी वर्क लॉबिंग पॉलिटिकल एनालिसिस इंटरनेशनल लॉ एंड इंटेलिजेंस तो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्सपर्ट बन गए तो आप एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट लॉबिंग पॉलिटिकल एनालिटिक्स डिप्लोमेट्स के तौर पर अपनी पहचान बना सकते हैं तो दोस्तों आप भी इंटरनेशनल रिलेशंस करियर में अपने इंटरेस्ट अपनी स्किल्स अपनी डिग्री और नॉलेज के बेस पर अपनी पहचान बना सकते हैं तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें थैंक यू वेरी मच